जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 2 साल से कोरोना था और खंडवा में भी इसकी त्रासदी थी, तो 2 साल से यहाँ होली के रंग फीके पड़े हुए थे, लेकिन फिलहाल कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। और ये सुकून का शून्य है कि आप देख सकते हैं ये माहेश्वरी धर्मशाला है और यहाँ पर सारे लोग जो समाजजन है वो एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और सारे चेहरे जो है रंग बिरंगे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं होली को लेकर जो एक बात इस बार उत्साह है 2 साल के बाद, उसे कैसे जाहिर करेंगे। ये जो रंगों का त्योहार है होली, ये 2 सालों से कोरोना के कारण फीका पड़ा हुआ है। आज महेश्वरी समाज के कई सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और 2 सालों की पूरी कमी इस होली पर वो पूरी करेंगे। क्या संदेश देंगे इस बार होली? इंडिया न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को आकर महेश्वरी समाज की ओर से होली की शुभकामना। 2 वर्ष के बाद हम लोग होली का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए, बड़ा सौहार्द और शांति के साथ ये त्योहार मन रहा है और सभी को पुनः एक बार भाकड़ माहेश्वरी समाज की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार पाबंदियां नहीं है, क्या कहेंगे? इस बार जो पाबंदियां हटाई गई है वो कोरोना का एक भी मरीज ना होने के कारण से, और ये बहुत बड़ा सुकून का विषय है कि इस बार जो है सभी लोग मिलजुल कर सौहार्दपूर्ण बहुत ही अच्छे वातावरण में जो है वो होली मना रहे हैं। ये धाका माहेश्वरी समाज की ओर से हम आपको सभी को शुभकामनाएं देते हैं और ये त्यौहार सभी के लिए जो है आनंदमय हो और आगे जो है इस बीमारी से रहित ये सब लोग गुलाल और प्रेम की जो होली है वो हमेशा। बिल्कुल, कहते हैं कि एक बार रंगों में रंग जाए तो पूरे वर्ष भर जो है इसका उत्साह बना रहता है। कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही शानदार, बहुत ही आनंददायक पल है। 2 सालों बाद ये बस बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। तो होली, सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली की गूंज है यहाँ पर खंडवा में और सभी का यही कहना है कि कोरोना से राहत मिली है तो इस बार बड़े उत्साह के साथ होली मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।